अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑन यूनिट नंबर 4, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इज फूड मेड इन अ ग्रीन लीफ। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। आज हम बात करेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम लीफ को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो हमें लीफ में चार चीज़ें आपको दिखेंगी, मिडरिब, लीफ स्टॉक, लमीना, ओवन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन द मिड लाइन आप देख सकते हैं जो लीफ का जो मिड है वहाँ पर एक लाइन वेन की तरह बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडरिब। क्या कहते हैं, मिडरिब। और इस जो लीफ जहाँ से ग्रो करता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक, मींस पत्ते की स्टॉक। और लीफ में जो शाइनी पार्ट होता है या शेडी पार्ट होता है जहाँ शाइनिंग हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं, लेमिना। और जो लीफ में नसों की तरह आपको वेंस, नसों की तरह जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है वो क्या होती है, एक्चुअली वेंस होती है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द मिडरिब, दिस इज़ द लीफ स्टॉक एंड दिस इज़ द लेमिना, दिस इज़ द वेन। ओके, अगर हम इसी लीफ को मैग्नीफाइड करवाएं, ठीक है, हम इस लीफ के पीस को मैग्नीफाइड करें तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि मैग्नीफाइड लीफ है। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जिसकी मदद से यहाँ फोटो लीफ के में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। ओके, अगर ये लीफ में क्लोरोप्लास्ट ना हो तो लीफ अपना खाना नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, और जब क्लोरोफिल होता है तो हम उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, देन आप देख सकते हैं ये लीफ की वेन है। क्या है, ये लीफ की वेन। ओके, जहाँ ये ट्यूब्स भी हम इसे कहते हैं और वेन्स भी कहते हैं, जहाँ से हम वाटर और फूड को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा है। लीफ में बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जिसके ज़रिए हम स्टोमेटा के ज़रिए क्या करते हैं, वी सेंड, हम पानी या कोई भी फूड या कोई भी मटेरियल हम स्टोमेटा के ज़रिए पहुंचा सकते हैं लीफ में। ओके, अब अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बीच में सेंटर में लाइन होती है उसे हम कहते हैं मिडरिब, जो शेडी और शाइनी पार्ट होता है लीफ का उसे हम कहते हैं लेमिना, और जो नसों की तरह होते हैं वो होती है वेन, और जो बिल्कुल स्टार्ट में एक स्टॉक की तरह होती है, एक जड़ की तरह होती है, उसे हम कहते हैं लीफ स्टॉक। ओके, अगर हम इसी लीफ को मैग्नीफाइड करवाएं तो हमें एक तो लीफ में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके, फिर हमें उसमें मिलेंगे लीफ वेन। क्या मिलेंगी, लीफ वेन, जो हमने बताया था कि वेन लीफ में वेन्स होती है जिसकी मदद से वो फूड या वाटर कैरी कर सकते हैं। ओके, हम इसे ट्यूब्स भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास है स्पोर्स, लीफ में स्पोर्स भी होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसके ज़रिए कोई भी गैस, कोई भी वाटर एक्सचेंज हो सकता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में कैसे होता है। ओके, एयर कंटेनर, आपको पता है कि हमारी जो हवा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है मौजूद, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर जाता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लीफ जब अपना खाना बनाता है तो उसको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में मौजूद होता है तो वो लीफ में कैसे जाता है, स्टोमेटा के ज़रिए। कैसे जाता है, स्टोमेटा के ज़रिए। फिर जब वो हवा के ज़रिए
इन स्पेस जब वो हवा के ज़रिए अंदर चला जाता है स्ट्रोमेटा के साथ, तो वो जो सेल्स होते हैं लीफ के, वहाँ जाकर अपना खाना बनाता है। फिर वाटर और मिनरल्स, हम पानी देते हैं सॉइल को, तो जब वाटर और मिनरल्स सॉइल में से आना स्टार्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल जाते हैं और सेल वॉल में, और सेल्स में पास करते हैं क्या, वाटर। जब सेल ने वाटर पास करते हैं तो जो सेल्स हैं जो खाना बनाते हैं उनके पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, ग्रीन मटेरियल हम इसे कहते हैं, वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। इनसाइड अ लीफ, सेल के लीफ के अंदर सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? केमिकल चेंज है जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस पर ही हो सकता है। कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें हवा से, वाटर लें सॉइल से, फिर इन दोनों को मिक्स करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, कि हमारे पास क्लोरोफिल भी हो और सनलाइट भी हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट हम दोनों को डिसॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा? एक तो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, ग्लूकोज जो है वो लीव्स में ही बनते हैं। ये क्या है? ये चेंज हो जाते हैं स्टार्च में। किस में चेंज हो जाते हैं? स्टार्च में। ग्लूकोज मेड इन द लीव्स, ग्लूकोज लीव्स में ही बनता है, लेकिन ये चेंज हो जाता है किस में? स्टार्च में, जो स्टोर हो सकते हैं किस में? सेल्स में। किस में स्टोर हो सकते हैं? सेल्स में। अब बात करते हैं दैट हाउ द लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका पहला पॉइंट है, मेनी लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब प्लंटी ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बहुत सारे जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, दे आर थिन सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन रीच द इनर सेल्स। वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली उनके सेल्स में चली जाती है। लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं जो क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। लीफ में एक सिस्टम होता है वेंस का। किसका सिस्टम होता है? वेंस का, जो क्या कैरी करता है? वाटर टू द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड कैरी द फूड अवे। मींस वो वाटर कैरी करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और फूड भी कैरी करता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड डू द रीडिंग ऑफ द कंप्लीट पेज। दिस इज़ योर असाइनमेंट, यू कैन सबमिट दिस असाइनमेंट इन ए स्कूल। थैंक यू।